हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या बैकलिंक्स बनाने से हमारी पोस्ट रैंक कर जाएगी, और यदि हाँ बैकलिंक्स बनाने से हमारी पोस्ट रैंक करेगी तो हमें बैकलिंक्स कैसे बनाना चाहिए, कहां से बनाना चाहिए, इस पे हम आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी बताऊँगा कि क्या केवल बैकलिंक से ही हमारी पोस्ट रैंक हो सकती है। बने रहिए इस वीडियो के साथ, काफ़ी चीज़ें आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप ब्लॉग से अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रैफिक ही मेन होता है। अगर आप ट्रैफिक गेन कर रहे हैं तो आप अर्निंग कर पाएंगे। अगर ट्रैफिक नहीं आ रहा है साइट पे तो एडसेंस का अप्रूवल होने के बाद भी आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। बैकलिंक्स आपको कहाँ से बनाना चाहिए और कौन से गूगल कौन से बैकलिंक्स को क्वालिटी बैकलिंक्स में काउंट करता है, इसके बारे में भी बताएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ और मैंने एक वीडियो बनाया था कल, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल एंड गेट ट्रैफिक। देखिए, यूट्यूब चैनल बनाकर आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने प्रूफ के साथ सारी चीज़ें दिखाई हैं। इस वीडियो को आप देखिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, YouTube चैनल से आप ट्रैफिक पा सकते हैं, बहुत ही क्वालिटी ट्रैफिक पा सकते हैं, और इससे कोई एडसेंस वगैरह डिसेबल होने का डर भी नहीं रहता है। इस वीडियो को देखिएगा। अब बात करते हैं कि क्या बैकलिंक्स बनाने से हमारी जो पोस्ट होती हैं वो रैंक कर जाती हैं, इस पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बैकलिंक्स जो होता है केवल उसी से यहाँ पे आपकी पोस्ट रैंक नहीं करेगी। देखिए, गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर होते हैं, उसमें से एक फैक्टर होता है ये बैकलिंक्स। और बैकलिंक्स, क्वालिटी बैकलिंक्स कौन सी काउंट होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी जो वेबसाइट है वो ब्लॉगिंग के बारे में बताती है और मैं भी ब्लॉगिंग के बारे में बताता हूँ, तब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप मेरी वेबसाइट से पोस्ट के माध्यम से, किसी पोस्ट के बीच में कॉन्टेस्ट जो हम लोग का टेक्स्ट रहता है वेबसाइट में, उसके बीच में एंकर टेक्स्ट के ऊपर अगर आप बैकलिंक्स लेते हैं तब जाके वो क्वालिटी बैकलिंक्स काउंट होगा। इसीलिए मैं हमेशा सबको रिकमेंड करता हूं कि जब भी बैकलिंक्स बनाएं वो गेस्ट पोस्ट से बनाएं, क्योंकि वो क्वालिटी बैकलिंक्स काउंट होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, रिलेशन होना चाहिए दोनों वेबसाइट का। मेरा ब्लॉग का है तो आपका भी ब्लॉग का होना चाहिए वेबसाइट, तभी आपको क्वालिटी बैकलिंक्स वो काउंट करेगा गूगल। इससे आपकी जो रैंकिंग होती है वो इम्प्रूव होती है। यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाते हैं, साथ ही साथ दूसरे के ब्लॉग पे जाके कमेंट करते हैं, इससे बैकलिंक्स बनाते हैं, जो इस 2020 में गूगल उसको वैल्यू नहीं देता है। सो आपको बैकलिंक्स बनाना है अपने से रिलेटेड वेबसाइट पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बायोग्राफी के ऊपर लिख रहा हूँ कंटेंट, तो आपको यहाँ पे मुझे जहाँ से बैकलिंक्स बनाना है वो भी बायोग्राफी के बारे में बताता हूँ, तभी मुझे वो क्वालिटी बैकलिंक्स मिलेगा। चलिए मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये मेरी एक साइट है, ठीक है, जिसपे मैं बायोग्राफी लिखता हूँ हिंदी में। तो यहाँ से अगर मैं किसी पोस्ट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये एक पोस्ट है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेट करेंगे, ये ओपन हो रहा है पोस्ट, ठीक है, ये पोस्ट ओपन हो गया। अभी ये देखिए, नीचे पूरी यहाँ पे पोस्ट लिखी गई है। अब इसी जो मैंने टेक्स्ट लिखा है यहीं पे, मगर मैं कहीं से लिंक दे देता हूँ किसी वेबसाइट को इस पोस्ट के अंदर। सपोज दैट आप बायोग्राफी लिखते हैं, आपको मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया, तो यहाँ से आपको जो क्वालिटी ट्रैफिक मिलेगी, क्वालिटी ट्रैफिक भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको क्वालिटी बैकलिंक्स भी मिलेगा, तो ये बेनिफिट है। और अगर आप किसी प्रोफाइल पे बैकलिंक बनाते हैं, फॉर एग्जांपल टीपी लिंक, आप सुने होंगे टीपी लिंक पे बहुत सारे लोग बैकलिंक्स बनाते हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाते हैं। देखिए दोस्तों, वो बैकलिंक्स काउंट तो होते हैं लेकिन वो क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपकी पोस्ट रैंक नहीं करती है। आप जब भी कोई पोस्ट लिखने जाएंगे HRF टूल में, आप सर्च करेंगे, उसमें बोलेगा कि मात्र आप 2 बैकलिंक्स बना लीजिए, आपकी पोस्ट रैंक करेगी, फिर भी आपकी पोस्ट रैंक नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं है। और भी मेथड रैंकिंग फैक्टर होते हैं, जैसे कि साइट की स्पीड, आपने प्रॉपर SEO किया है कि नहीं उसका, मतलब आपकी वो जो पेज आपने लिखा है वो स्पीड से खुल रही कि नहीं, उसमें आपने कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं किया है, बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर होते हैं। गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर होते हैं, आपको गूगल में उसे चेक करना चाहिए, पढ़ना चाहिए।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बैकलिंक्स बना लेने से पोस्ट हमारी केवल नहीं रैंक करने लगेगी, और बैकलिंक्स बनानी भी है तो वो कहाँ से बनानी है मैंने आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और SEO का ये जो मेन टॉपिक है बैकलिंक्स, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी वीडियो, और इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।